हाँ वही चीज़ पंचायत राज मंत्री श्री रमेश चंद्र मीणा एवं ग्राम विकास का अधिकारी संघ के पदाधिकारी को मध्य 11 दिसंबर 2021 को जो समझौता हुआ था लिखित में उसको 30 से 45 दिन के अंदर लागू करने की सहमति बनी थी, लेकिन आज 6 माह पूरे होने के बावजूद भी किसी भी एक भी समझौते पे आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके मध्य 30 जून 2022 से ग्राम विकास अधिकारी संघ ने ये आंदोलन चालू किया गया। आंदोलन के चौथे चरण में आज 21 जुलाई 2022 को प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर पूरे 10,000 ग्राम विकास अधिकारी धरना स्थल पर 10 बजे से 4 बजे तक काली ड्रेस में बैठेंगे और उसकी पालना में आज प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी जो मांगों पर सहमति बनी थी उस पर लागू नहीं होगी, जब तक हम निरंतर संघर्ष जारी रखेंगे और अब की बार संघर्ष हमारे संघ के द्वारा जो आर पारी लड़ाई चालू की गई वो जब तक मांगे पूरी नहीं होगी जब तक हम आर पारी लड़ाई लड़ेंगे। इसमें हमारी जो पहली मांग थी कि HCP को हटा करके प्रथम चयनित वेतनमान लागू किया गया, उसमें 30 से 45 दिन के अंदर मंत्री महोदय द्वारा सहमति बनी, लेकिन वो भी आज दिनांक तक नहीं। उसके बाद हमारे जो जिला अंतर नीति को अपनाई गई थी वो भी आज तक नहीं हुई है। ग्राम विकास अधिकारी का जो चार्ज LDC को देने का आदेश है तो उसको वापस निरस्त करते हुए ग्राम विकास अधिकारी चार्ज सिर्फ ग्राम विकास अधिकारी के पास ही रहे, ये आदेश पुनः जारी किया जाए। इनके अलावा जो पंचायत प्रसार अधिकारी के 1:4 में जो पद सर्जित थे उनमें से कम करके 1:5 में कर दिया गया था, उसको पुनः 1:4 में के आदेश किया जाए। इस पर हमारी 8 सूत्रीय मांग पत्र है, उस पर आज दिनांक तक किसी पर भी कोई भी अमल नहीं हुआ। तो जब तक पंचायत राज द्वारा हमारे मांगों को नहीं माना जाएगा जब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे। जय श्री मेहता।